थे तो थोड़ा डर लगा था कि कहीं यहाँ पर बल भगवान का नाम लिए क्योंकि यहाँ भी कुछ ना हो भी नहीं था, अभी पता चला है। मैंने तो हम लोग को पता नहीं था लेकिन कुछ पता था इतना कि देवघर में हादसा। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बचाव दल आखिरकार 46 जिंदगियों को बचाने में कामयाब रहा। वहीं इस हादसे के बाद बिहार सरकार का पर्यटन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पर्यटन विभाग के कर्मी किस तरह से रोपवे कार्य कर रहे हैं, सैलानियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितनी सावधानियाँ बरती जा रही हैं, इसका पर्यटन विभाग के अधिकारी मुआयना करते दिखे। हालांकि राजगीर में पर्यटन विभाग के कर्मी 8-सीटर और सिंगल सीटर रोपवे को प्रतिदिन मेंटेनेंस करने के बाद ही सुचारू रूप से चलाते हैं और सैलानियों के लिए उसे खोलते हैं, फिर भी देवघर में हुए हादसे को देखते हुए पर्यटन विभाग के सभी कर्मी अलर्ट हैं। वहीं सैलानी भी व्यवस्था को देखकर काफी खुश और रोपवे का पूरा आनंद ले रहे हैं। घूमने आए? हाँ, घूमने आए राजगीर। अच्छा, कल एक इंसिडेंट हुआ है देवघर में, उसके बाद आप लोग को डर नहीं लग रहा है क्या देवघर में? सुने है तो थोड़ा सा तो लगेगा ही, बट बैठने के बाद और आने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा। बस सुने थे तो थोड़ा डर लगा था कि कहीं यहाँ पर बल भगवान का नाम लिए क्योंकि यहाँ भी कुछ ना हो भी नहीं था, अभी पता चला है। मैंने तो हम लोग को पता नहीं था लेकिन कुछ पता था इतना कि देवघर में हादसा हुआ, लेकिन उसके साथ जो होना है वो तो होगा ही। अच्छा, अभी यहाँ पे इंतजाम कैसा है? यहाँ पे रोपवे का इंतजाम तो पहले से वो हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा पहले रोपवे संचालन से पहले 2 घंटा पहले आवश्यकता अनुसार उसका फुल्ली एक बार चेक किया जाता है, पूरा टावर को चेक करते हैं, उससे संबंधित जो भी ग्रिप हुआ, लाइन से हुआ, जो भी उसके मैकेनिकल का जो भी पार्ट्स है उसको सबको एक बार चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उसके अनुसार मेंटेनेंस किया जाता है। जब मेंटेनेंस पूर्ण हो जाता है तो पूरा टेक्निकल टीम हमारे पास रिपोर्ट करती है कि सर ये अब कमर्शियल ऑपरेशन के लिए अब ये इसको शुरू किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग कमर्शियल ऑपरेशन को शुरू करते हैं। तो सेफ्टी के लिए तो शुरू से, अभी तो रिसेंटली हादसा हुआ, फिर भी हम लोग ये तो रूटीन वर्क है मेरा कि विदाउट मेंटेनेंस हम लोग संचालन नहीं करते। देशवा न्यूज़ के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट।